वो भी रखो पास में, थोड़ा साइड में हटो देगा, दोबारा बनाओ। हाय दोस्तों, आप देख रहे हो बैटरी बैकअप। ये क्या होता है बैटरी बैकअप? आपको ये मार्केट में मिलता है 250 से 300 रुपए में, और इसमें कुछ भी नहीं होता, आप खुद भी इसको बना सकते हो वैसे। और हम दिखाएंगे आज इसकी असलियत क्या चीज़ है, मतलब सच्चाई क्या है इसकी, इसमें क्या चीज़ होती है जो अपने को 250 से 300 में देता है। ये मात्र अपने को 50 रुपये में, जैसे कि मान सकते हो आप इसकी प्राइस 50 रुपये अपन मान सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसको खोल के ओपन करके इसमें क्या चीज़ होती है इसी। अब जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जैसे इस पर सैमसंग लिखा हुआ होता है ऐसा, आप देख सकते हैं इस पर सैमसंग लिखा हुआ है, और इसमें पावर बैकअप भी लिखा हुआ है, पावर बैंक, और इसमें MAH 3.7 वोल्टेज वगैरह 3200 MAH बता रहा है ये, और कंपनी का सारा लोगो वगैरह सब दे रखा है इस पर। अब आप देख सकते हैं इसको, और ये चालू भी है वैसे, मैं इसको जैसे चालू करके बताता हूँ आपको, पहले तो इसको मैं ओपन करके बताता हूँ आपको। देखते हैं हम, जैसे मैंने इसको ओपन किया है, अब ये देखो इसके अंदर ये क्या निकली, इसमें मिट्टी निकली हुई है, मिट्टी लगी हुई है इसके अंदर। अब हम लोग ये मिट्टी इसको हटा देते हैं, ये क्या है, ये मिट्टी है, देखो मिट्टी डाल के अपने को ये 250 रुपये में बेच देते हैं, जबकि ये चीज़ 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, मार्केट में हमें 250 से 300 में देते ही है। और हम देखते हैं उसमें कुछ नहीं है, पुरानी मोबाइल की बैटरी है, जो कि ये सिर्फ पुराने मोबाइल की बैटरी, मतलब कि बेकार वेस्टेज हो जाती है, हम इनको फेंक देते हैं, अगर हमारे पास इसका होता तो हम इनको फेंक देते हैं। मिट्टी डाल के इसको ऊपर चिपका रखे हैं, और इसका ओनली मात्र कनेक्शन कर रखा है बस, और इधर भी बैटरी डाल रखी है इसमें, कुछ नहीं, इसमें एक लाइट और ये फंक्शन डाल रखा है। अब जैसे कि अपन इसको चालू करके देखते हैं, चलता भी है ये वैसे, लेकिन कुछ चार्ज नहीं करता है, जैसे इसमें एक लाइट लगा दी। ये मात्र कनेक्शन आपको पड़ता है 10 रुपये की, अपन ये प्लास्टिक मानते हैं, 10 रुपये की बैटरी मानते हैं, 10 रुपये का ये कनेक्शन मानते हैं अपन, और क्या है इसमें, कुछ नहीं डाल रखा है जैसे, और भी कुछ कनेक्शन करके कुल मिला के 50 रुपये का मानते हैं अपन, और मार्केट में इसको 300 रुपये में बेचते हैं। तो मात्र इसमें 250 रुपये का कस्टमर को फ़ायदा होता है, अपने को तो नुकसान ही होता है क्या कुछ ना, तो ये कुछ चार्जर करता है, तो आप इससे सावधान रहे, इसी नकली चीज़ ना खरीदें। मेरा तो आपको दिखाने का यही उद्देश्य है कि आपको सच्चाई से वाकिफ कर दिया मैंने,